students, I welcome you all to the online classes of SGUI. So students, we have completed chapter number 1, that was relation numbers. Today we will be starting with chapter number 2, that is exponents and power. ठीक है? First of all, आपको समझना पड़ेगा कि exponent और power का concept क्या है. ठीक है? Suppose मैं किसी भी चीज को कुछ number of times repeat करके लिखूं, multiply करके. Suppose मैं लिख रहा हूँ 2 into 2 into 2 into 2 into 2. ठीक है? You can clearly see कि 2 को जो मैंने repeat किया है 1, 2, 3, 4 and 5 times और वो भी multiply के form में. तो इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं in the form of 2 to the power 5. ठीक है? The process of writing anything in the form of power is known as the exponential form of that data. इसमें क्या होता है? This is known as the base and this is known as the power. This is the base and this is the power. और इन दोनों को मिलाकर जो form बनता है, that is known as exponential. ठीक है? So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि basically exponent और power होता क्या है. ठीक है? Now let's move further. कुछ इसमें आपके पास rules and regulations हैं, कुछ आपके पास इसके लिए प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या होती हैं वो हम लोग अब देखेंगे. पहला जो रूल है, रूल 1, व्हाट इज दैट रूल? ये रूल ये कह रहा है कि अगर कहीं भी लिखा हुआ है p अपॉन q होल टू द पावर n, ठीक है, अगर लिखा है आपके पास p अपॉन q होल टू द पावर n, इसका मतलब है कि p पे भी पावर n होगा अपॉन q पे भी पावर m. ठीक है, सो p अपॉन q होल टू द पावर m सेज दैट कि p पे भी सेम पावर m होगा और q पे भी सेम पावर m होगा. एग्जांपल लेते हैं एक, अगर लिखा होता सपोज यहां पे 3 अपॉन 5 होल टू द पावर 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3 पे पावर भी 3 होगा और 5 पे पावर भी 3 होगा. दिस विल गिव अस 3 * 3 * 3 अपॉन 5 * 5 * 5 that will be 27 upon 125. ठीक है, so this is the whole idea behind the game. ठीक है, next rule है आपका reciprocal of rational number. ठीक है, second rule है आपका reciprocal rule. इस सारे rule का आप ध्यान से देखेंगे. ठीक है, second rule है आपके पास, कभी लिखा होता p upon q hold to the power minus 1. ठीक है, if it is written p upon q hold to the power minus 1, इसका मतलब होता है आपको इसका क्या करना है, reciprocal कर देना है. that will become q upon p. that will become q upon p. for example यहाँ पे लिखा होता है 2 upon 3 hold to the power minus 1, इसका मतलब क्या, इसका reciprocal करना पड़ेगा, that is 3 upon 2 will be the answer of this. ठीक है, so this is the second rule. now moving to the few of the laws related to the exponents. if somewhere it is written x to the power m multiplied by x to the power n, that means base दोनों के base same है और मल्टीप्लाई में है और पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू एक्स टू द पावर एम प्लस एन. दैट मींस अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स इस केस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी. एग्जांपल लेते हैं, इफ इट इज रिटन सपोज 3 टू द पावर 2 इनटू 3 टू द पावर 1, ठीक है, दिस विल गिव अस 3 टू द पावर 2 plus 1, that is equal to 3 to the power 3, that is equal to 3 into 3 into 3, that is equal to 20. So this is how you will be approaching such questions. बस ये ध्यान रखना है, आपको क्या मैच करना है, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और बेस सेम होना चाहिए. ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे. ठीक है, then law 2 इसी का अपोजिट है वो. ठीक है,
दैट इज कभी लिखा हो एक्स टू द पावर एन डिवाइड बाय एक्स टू द पावर एन, ठीक है. तो दिस विल गिव अस एक्स टू द पावर एम माइनस एन. अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो इस केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज लिखा होता 5 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 की पावर 2, दिस विल गिव अस 5 टू द पावर 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 5 इनटू 5 इनटू 5 दैट इज इक्वल टू 9.25. सो दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग इफ यू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. If somewhere you see something like this, x to the power m bracket, then power n, ठीक है? इसका क्या मतलब होगा? This will be x to the power m multiplied by n, जिसको हम लोग x to the power m n भी बोलते हैं, ठीक है? Example ले लेते हैं, suppose आपके पास कभी लिखा हुआ है इस तरह, 2 की power 3 whole to the power 2, so this will be giving us 2 to the power 3 into 2, that is equal to 2 की power. आप चाहें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करके, ठीक है. तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है. इसी के नीचे एक और चीज देख लेते हैं. कभी आपके पास अगर ऐसे लिखा हो 1 अपॉन m स्क्वायर, ठीक है. अगर ऐसे लिखा सपोज 1 अपॉन m स्क्वायर, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू m टू द पावर माइनस 2. दैट मींस अगर ऊपर लेके आएंगे पावर को तो पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है. और नेगेटिव पावर है तो 1 अपॉन करके भी लिख सकते हैं. दैट मींस दोनों कन्वर्स और इनवर्स दोनों इसका क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में ये है, कभी भी किसी भी वेरिएबल में या कांस्टेंट में पावर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा? दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी लिखते हैं यहां पे 2 अपॉन 3 सपोज लिखा है, होल टू द पावर 0 लिखा तो आंसर 1 होगा. यहां पे x अपॉन y लिखा है, होल टू द पावर 0 है तो भी आंसर 1 होगा, है ना. नो मैटर्स आप यहां पे वेरिएबल्स लिखते हैं या फिर कांस्टेंट्स लिखते हैं, अगर पावर 0 है तो आंसर हमेशा कितना होगा? दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है. नाउ वन एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, If it is written x to the power m is equal to x to the power n, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो m होगा वो n के equal आएगा. That means कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे as a base दोनों तरफ सेम है, equal to का साइन लगा है लेकिन पावर्स अलग अलग है, तो उस केस में पावर्स अलग नहीं होंगी, वो पावर्स क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर वी कैन सी दैट कि अगर यहाँ पे लिखा है सपोज 5 की पावर 2 और यहाँ पे लिखा है 5 की पावर n, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमें पता है कि ये और ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 2 विल बी द वैल्यू ऑफ द n, ठीक है. सो दीज आर द लॉज विच यू हैव टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. सो दैट इज ऑल इन टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज